हेलो क्लास एट। जैसा कि बेटा हम सभी लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियो में स्टडी करी थी, वीड्स, वीडिसाइड्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, है ना। तो बेटा जो विनोइंग मैंने सबसे बाद में आपको पढ़ता, विनोइंग। अब विनोइंग क्या होती है बेटा? जो आपने देखा है किसान जो ग्रेन और चाफ को अलग करता है, जो भूसा हो कचरा होता है ना, जो आपका ग्रेन उससे अलग करता है, ग्रेन और कचरे को अलग करता है ना, उसे हम कहते हैं विनोइंग, और हिंदी में कहते हैं इसको फटकना, है ना। तो बेटा टुडे वी स्टडी अबाउट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स एंड स्टोरेज ऑफ द ग्रेन्स। लेट स्टार्ट द क्लास। आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ हार्वेस्ट। देखिए, 3 से 4 महीने की कठोर परिश्रम के बाद, कड़ी मेहनत के बाद वह दिन आता है जो कि आपका कटाई का समय आता है ना। द साइड ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन्स फिल द हार्ट ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। देखिए, जो आपकी जब खेत है बेटा, पके हुए खेत होते हैं जो ग्रेन्स के, जैसे आपने देखा गेहूं गेहूं के जो खेत होते हैं बेटा, वो क्या एकदम गोल्डन कलर के दिखाई देते हैं जब आपके क्या होते हैं, जब हम जाते हैं खड़े हुए फसल दिखाई देती है। तो बेटा वो क्या आपका जो कि क्या होते हैं फसल से, जो आपके ग्रेन से भरे होते हैं, और उसे देखकर किसान के जो आपका हृदय होता है उसमें उस समय बहुत ही ज़्यादा जॉय का और अच्छे होने का, अच्छे समय आने का उसके अंदर क्या भाव आता है, और वो क्या बहुत खुश होता है ना। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव बॉर्न फ्रूट एंड इट इज टाइम टू रिलैक्स एंड एंजॉय अ लिटिल। देखिए, जो आप कह सकते हैं कि पिछले सीजन में जो आप उसने जो मेहनत करी थी, है ना, पिछले सीजन में जो मेहनत करी थी उसका क्या है बेटा, जो फल है उसका फल, उसी जो जो फल है उसका फल लेने का टाइम है, और यह समय थोड़ा सा क्या रिलैक्स करने का और थोड़ा आराम करने का है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज दस ऑफ ग्रेट जॉय हैप्पीनेस इन ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए, जो आपकी जो इसलिए जो आप इसलिए भारत में या इंडिया में जो सभी जो इंडिया के सभी अलग अलग पार्ट्स हैं ना, उसमें क्या होता है बेटा, जो कटाई का जो मौसम है ना, कटाई का समय है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपका हम कह सकते हैं हर्षोल्लास से खुशी के साथ मनाया जाता है ना। आगे देखिए, मैंस ऑफ मैंस एंड वुमेन्स सेलिब्रेट विद ग्रेट एथुजिज्म। देखिए, इसको जो आप कह सकते हैं जो पुरुष और महिला साथ मिलकर इस पर्व को क्या बहुत ही ज़्यादा क्या ग्रेट एथुजिज्म यानी क्या बहुत ही ज़्यादा खुशी से मिलकर बनाते हैं, है ना, मनाते हैं। आगे देखिए, इसमें द स्पेशल फेस्टिवल ओकेजन विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली और नवाया एंड बिहू। देखिए, जो आपके इंडिया में क्या डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, है ना, कुछ फेस्टिवल्स हैं जैसे आपकी पोंगल है, वैसाखी है, होली है, दिवाली है और बेटा नवाया है, और सबसे फेमस बिहू है ना, जो आपका बिहार सॉरी असम में होता है बिहू, है ना। तो देखिए बेटा, ये सभी क्या आपके एक हार्वेस्टिंग त्यौहार है, हार्वेस्टिंग त्यौहार है। अब बेटा हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे जो आपका स्टोरेज, आगे वाला टॉपिक है आपका स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस, स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस एंड इम्पोर्टेंट टास्क। देखिए, जो आपका हम कह सकते हैं जो भी हमने क्या है उत्पाद का, जो भी हमने उत्पाद किया है, जो हमने उगाया है, उसका स्टोरेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है, कार्य होता है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्ग टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, हम कह सकते हैं यदि वो क्या उनको लंबे समय तक स्टोर करना है तो हमें बेटा उनको मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रेट से और जो छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे हमें बचाना है उनसे। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर। देखिए, जो आपके हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जो आपके जो कट जो तुरंत हम कह सकते हैं तुरंत हम कटाई करके लाए हैं और उनकी क्या आपकी
उनको हार्वेस्ट कर दिया गया है, तो उनमें क्या होता है, ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स आर स्टोर विदाउट ड्राइंग, दे मे बी गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाई ऑर्गेनिजम्स, मेक दैम अनफिट फॉर यूज फॉर यूज और जर्मिनेशन। देखिए हम कह सकते हैं कि जो आपकी फ्रेशली सीड्स को जो आपके हार्वेस्ट करते हैं, यदि जो आपका कह सकते हैं ताज़ी जो हार्वेस्टिंग की है, फ्रेशली हार्वेस्टिंग हुई है सीडों की, यदि हमको क्या करते हैं स्टोर कर दें, तो क्या होगा बेटा, वहाँ उस पर क्या होगा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या अटैक हो जाएगा और वो उसको क्या है अनफिट बना देंगे, यानी अनफिट बना देंगे वो क्या आपका जर्मिनेशन करने में, यानी उगने में क्या है वो क्या है खराब, उग नहीं पाएंगे है ना, और अनफिट हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे वो। आगे देखते हैं इसमें, हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन सन टू रिड्यूस मॉइस्चर इन देम। देखिए इसलिए जो आप हम कह सकते हैं, इसलिए जो आपका जो ग्रेन होता है उसको स्टोर करने से पहले हमें सन में जो सन की धूप होती है, सनलाइट होती है, उसमें क्या सुखाना चाहिए जिससे उसका मॉइस्चर क्या है कम हो जाए, है ना, जिससे उसका मॉइस्चर क्या है आपका कम हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाई इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया एंड फंगी, जिससे क्या होता है कि जो आपका ग्रेन होता है तो इंसेक्ट से और जो आपके कीड़े मकोड़े होते हैं, बहुत सारे पेस्ट होते हैं और बैक्टीरिया है फंगी है, उनके अटैक से उनको बचाता है ना। अब बेटा आप पहेली कुछ उसकी बता रही है आपको, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन द आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, आई वंडर वाई। देखिए जो पहेली कह रही है कि मैंने अपनी मम्मी को, जो माता है उनकी, उसने जो आपकी जो आम कह सकते हैं लो जो आपका आयरन का ड्रम होता है उसमें नीम की लीव, सूखी नीम की लीव डालते हुए देखा है, जिसमें कि क्या होता है गेहूं भरा होता है उसमें क्या, आपने देखा होगा कि गांव में बहुत सारे लोग जो आपकी टंकियां होती हैं स्टोर करने वाली, उसमें क्या नीम की लीफ डालते हैं है ना, और जिसमें क्या होता है आपका गेहूं भरा होता है, क्यों डालते हैं? तो बेटा वो आश्चर्यचकित ऐसा क्यों है, तो देखिए ये आपको ये दिख रही हैं साइलोज, साइलोज फॉर स्टोरिंग ऑफ द ग्रेन, जो आपको बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जो आपकी फूड जो फूड कॉरपोरेशन होता है वहाँ पे क्या होता है साइलोज होती हैं आपकी ग्रेन को इकट्ठा करने के लिए, है ना। आगे देखिए स्टोरेज करने के लिए, आगे देखिए बेटा इसमें, फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक व्हील्स। देखिए जो आपकी हम कह सकते हैं जो फार्मर होता है वो अपने ग्रेन्स को जो आपके जूट के बैग होते हैं जो बोरी होती हैं और जो आपके मेटेलिक व्हील जो आपके लोहे की बीन्स होती हैं टंकी होती हैं उसमें स्टोर करता है ना। आगे देखिए, हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। देखिए जबकि लार्ज स्केल पर बड़े स्तर पर जो ग्रेन्स हैं उनका स्टोर साइलोज और ग्रेनरीज में होता है ना, ग्रेनरीज में होता है ना। आगे देखिए बेटा इसमें, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट एंड इंसेक्ट, उन्हें जो आपका रैट है बहुत से जो पेस्ट हैं जो यानी इंसेक्ट हैं उनसे बचाने के लिए है ना, उनको वहाँ पे स्टोर किया जाता है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर सॉर्टिंग फूड ग्रेन्स एट होम, सॉरी स्टोरिंग होगा, स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। देखिए इसमें ड्राइड लीव्स जो आपकी सूखी हुई नीम की लीव होती है बेटा, वो जो आपके ग्रेन्स होते हैं घरों में जो ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज की जाती है, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स इन बैग्स गोडाउन स्पेसिफिक केमिकल्स ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट डैम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यदि क्या हम घरों में तो हम क्या कर रहे हैं नीम की लीफ वगैरह होती हैं बेटा वो यूज कर लेते हैं ग्रेन को स्टोर करने के लिए, लेकिन बेटा जो बड़े बड़े हम क्या लार्ज अमाउंट पर क्या लार्ज क्वांटिटी में जो ग्रेन्स हैं उनको क्या स्टोर करना है हमें जो गोडाउंस वगैरह होते हैं वहाँ पे, तो बेटा वहाँ पे क्या हमें स्पेशल जो केमिकल ट्रीटमेंट होता है उसकी ज़रूरत होती है, उन्हें जो सीड होते हैं उन्हें जो आपके ग्रेन्स होते हैं उन्हें आपका पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए, है ना। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, यहाँ पे कह रहा है आपका
अब है आपका फूड एंड सॉरी फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड फ्रॉम एनिमल्स यहाँ पे दे रखा है कि देखो कुछ टेबल दे रखे हैं, मेक फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट डेट। देखिए जो आपके यहाँ पे दे रखा है कि जैसे मान लो क्या है आपकी मिल्क है, मिल्क हमें कहाँ से मिलता है, इसके सोर्स क्या है बेटा, काओ है, बफेलोस है, सी जो सीप वगैरह होती है ना, जो भेड़ वगैरह, गॉट सी केम जो आपका कैमल है यानी बकरी है, सी गॉट और सी कैमल है ना। और बेटा मीट है, मीट मिलती है हमें, मीट किससे मिलती है आपकी, बकरा जो बकरी होती है गॉट से मिलती है हमें, और फिश से मिलती है, और भी कई सारे एनिमल्स हैं जैसे आपका चिकन है, ये क्या आपका मीट है आपकी है ना, और बहुत सारे आपके फूड हैं आपके, वो क्या हमें एनिमल से मिलते हैं, और कुछ आपके फूड ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते हैं, जो फ्रूट वगैरह हमें प्लांट से मिलते हैं, ग्रेन्स हमें कहाँ से मिलते हैं बेटा, प्लांट से मिलते हैं है ना। तो बेटा यहाँ पे हम लोग भर लेंगे उसको। आगे देखिए इसमें, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। देखिए हम जो आपकी टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम कह सकते हैं कि जो आपके एनिमल्स वगैरह होते, एनिमल्स जो होते हैं आपकी, एनिमल्स भी हमें प्लांट की तरह क्या करते हैं, बहुत अलग अलग प्रकार के फूड प्रोवाइड करते हैं। मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ द ऑफ देयर डाइट। देखिए बहुत से लोग जो कि क्या कोस्टल एरिया, जो आपके समुद्र के इलाके वाले, जो समुद्र के तट वाले एक एरिया होते हैं ना, वहाँ पे क्या बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ का जो आपका मेजर जो खाना है वो क्या, वहाँ पे क्या मेजर खाना है वो क्या फिश है, वो क्या फिश ज़्यादा लेते हैं अपनी डाइट में। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न्ड अबाउट द फूड डैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। देखो हमने पिछली क्लास में जो आपका पढ़ चुके हैं कि जो आपके कौन कौन से जो जो फूड है जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। आगे देखिए, वी हैव जस्ट सीन डैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व अ नंबर ऑफ स्टेप लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग ईटीसी। देखिए जो आपकी क्रॉप प्रोडक्शन की जो आपकी प्रोसेस है बेटा, उसमें क्या है नंबर ऑफ स्टेप्स क्या शामिल हैं, बहुत सारे स्टेप्स शामिल हैं उसमें, जैसे कि आपकी सेलेक्शन ऑफ सीड, सीड का सेलेक्शन है, सोइंग है, बुवाई है ना। और जैसे देख मैंने आपको बताया था कई सारी जो होती हैं आपकी, जैसे आपकी बुवाई है, फर्टिलाइजरिंग है, फर्टिलाइजरिंग है, मैन्योरिंग है ना, और हार्वेस्टिंग है, ये सारी जो प्रोसेस है वो क्या है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन में आती है ना। आगे देखिए बेटा, सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन अ फार्म और इन फार्म्स। देखिए इसी प्रकार जो क्या होता है एनिमल्स होता है उनको घरों में या फार्म से पाला जाता हैव टू बी प्रोवाइड विद प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर। उनको एक प्रॉपर तरीके से क्या आपका शेल्टर फूड प्रोवाइड करके और केयर प्रोवाइड करके हम क्या उनको पाला जाता है। व्हेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। यदि यह क्या होता है आपका एक लार्ज स्केल पे होता है, ये सारी चीज़ें एक लार्ज स्केल पे होती हैं, तो हम क्या कहते हैं इसे एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन कहते हैं इसको है ना। अब देखो बेटा जो पहली है कुछ बता रही है आपको, फिश इज गुड फॉर हेल्थ। जो फिश होता है जो हेल्थ के लिए क्या गुड होता है। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज रिच इन विटामिन डी। देखिए हम जो आपका कह सकते हैं कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है, जो मछली का जो यकृत का जो तेल होता है वो हमें मछली से मिलता है, जिससे जो कि क्या होता है विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स होता है ना। तो बेटा आज का बस जो आपका चैप्टर है बेटा, आज की वीडियो में आपका फिनिश हो गया है। अगली वीडियो में आपको हम कराएंगे जो कीवर्ड्स हैं उनको करा देंगे, और एक क्लास में हम आपको बता देंगे जो आपकी एक्सरसाइज है उसको करवा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।